साइकोलॉजी के अनुसार हम किसी चीज के तरफ पूरा पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं तो आपको दर्द कम महसूस होता है और आपकी चिंता कम हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार क्या आप जानते हैं, लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था। वे उस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। साइकोलॉजी के अनुसार क्या आप जानते हैं, कभी कोई मनुष्य की खुशी का पहला आंसू दाहिने आँख से और दुख का पहला आंसू बाईं आँख से निकलता है। साइकोलॉजी के अनुसार अधिक हंसने वाले में दूसरों की तुलना में दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग सपनों में अज्ञात चेहरों को नहीं देख सकते हैं। हमारे सपनों में देखे जाने वाले सभी चेहरों को हमने कहीं ना कहीं देखा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस तरह का संगीत आप सुनते हैं वह आपके दुनिया को देखने के नज़रियों को प्रभावित करता है। साइकोलॉजी के अनुसार बुद्धिमान लोग औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त रखते हैं। व्यक्ति जितना होशियार होता है उतना ही नकारात्मक होता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ज़्यादातर अपने नाखून चबाता रहता है तो इसका मतलब है कि वह या तो परेशान है या फिर किसी चिंता में डूबा हुआ है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे होठों की त्वचा 3 से 4 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से होंठ का रंग गुलाबी और लाल नज़र आता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हर बात मानो।